तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गाइस लो आ कर उतरे थे और यहाँ पर देखो जलेबी पढ़ना खोल हाँ हाँ इधर ही रहूंगा इसको ना नहीं जाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है ना तो हम छोड़ देंगे रेलवे स्टेशन तक। ठीक है बाय। A few minutes later. खोल। ओह गेट खोल। ठीक है। ले। कैसे देख लो तो ले। वो तो हवा भरवा दे रहा है रेलवे में टाइम से रे पार। तो लो पहन। 10 मिनट बाद दिखूंगा। जवा। और कौन? फिर से बात। आप छोड़ रख रहे हैं क्या कुछ? नहीं रख लेना। आपको लेना था। और एक बार आना। Hey guys, welcome back to my channel guys. तो आज के ब्लॉग में नेत्रहाट घूमने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे, एक दिन का पूरा आराम लिए, अच्छा सा रेस्ट लिए शाम को, फिर अभी उठ करके हम लोग गुमला वापस जा रहे हैं। तो गुमला जाने के वापस आने से रास्ते में पालकोट में पड़ता है एक जगह, जगह का नाम है गोबरसिल्ली कहा जाता है। ऐसा लोकेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस हम लोग पूरा, हमारे मामू हमको घुमाने लेके आए हैं फिर से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गाइस ये है गोबरसिल्ली का पहाड़, यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल आपको एक चीज़ और बता देते हैं नोटिस की बात कि प्रफुल को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है इधर, उसके कहते कान में ना स्वेलिंग हो चुकी है जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं करी, यहाँ देखो, यहाँ पर उसके कान में स्वेलिंग हो गई जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी वो गाड़ी से निकला नहीं है तो दवाई सब तो खरीद लिए और उसको लगा दिए कान में ईयर ड्रॉप्स जिसे कहते हैं। डॉक्टर से डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर कहते हैं कि ये लगाओ फिर जल्दी ठीक हो जाएगा, स्वेलिंग थोड़ी कम होगी और दर्द थोड़ा कम होगा, जल्द से राहत मिलेगी, जल्दी ठीक हो जाएगा। जो ऐसे यहाँ पर रथ चली थी, रथ है उसका, उसका पहिया का निशान अभी भी है। अच्छा अभी भी ये जो दिख रहा है ना, ये निशान इतना चौड़ा दिखा ना पहिया चला था इतना ऐसे, तो अभी मिट रहा है लेकिन ये और इसमें थोड़ा मार्कर मार्क करके थोड़ा दिखा दिया, हाईलाइट करने मैंने, ऐसे हिलता था लेकिन अब नहीं हिलता है। अच्छा गाइस कहते हैं ये जो पत्थर है हिलता है, हमें को तो देख के नहीं लगता है हिलेगा, देखते हैं लगे कैसे पूरा हिलेगा आराम से टच करने से, एक उंगली से हिला सकते हिल रहा है ना। हाँ देखो एक उंगली से हिल रहा है, पूरा मार्किंग किया है ना। देखो हम अगर यहाँ से अगर एक पत्थर फेंक के अगर पार करेंगे ना इसे, मनोकामनाएं पूरी होती है ऐसी मान्यता है। गाइस पापा कह रहे हैं मुझे आपको पत्थर के ऊपर पहाड़ दिख रहा है, पत्थर के ऊपर पत्थर पहाड़, इसके ऊपर आप पत्थर फेंकेंगे पार कर देंगे टपा देंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो कैब की व्यवस्था भी कर दिए हैं रात को जब लोग आते हैं। तो गाइस क्या कह रहा हूँ मैं कि आप लोग भी इधर आए अपना मनोकामना से पूरा करने के लिए, मैं कभी ट्राई करके देखूँ पत्थर फेंक के मेरे से तो होगा नहीं। अरे तो
कहीं और चला गया। निशाना खराब। अपना मनोकामना नहीं पूरा होगा गाइस, टेढ़ा फेंक दी। तो देखो गाइस वहां से लगते हैं, लोग सब देख रहे हैं, उधर पूरा लोकेशन बना दिया। साइड तरफ चला गया ना, चलो देख। अब लोग हम लोग वापस जा रहे हैं पालकोट की तरफ, फिर सामने टली जाएंगे, वहां से सामान सब लेके नानी घर जाने, रास्ते में दिखाएंगे क्या क्या होगा। बहुत मजा आया है ये जगह देख के भी। गाइस लोग आकर उतरे थे और यहाँ पर देखो जलेबी, पूरा गरम गरम जलेबी यहाँ से लेके आए हम लोग। प्रफुल्ल सो रहा है अभी भी, दर्द उसको दर्द हो रहा है ना गाइस। जलेबी जलेबी एक दो तो मिलते हैं, खा भी रहा है तो देखने के लिए मंगा था खाने के लिए। पहले मुर्ग खाते थे मालपुआ वाला इतना बड़ा बड़ा वाला, समोसा खा के हमको कोठो खाना ही खाते, लेकिन अब मालपुआ जो हाँ जो उसका जैसे हाँ उसका जैसे मैं गोलगप्पा ट्राई करना रह गया यार, गोलगप्पा ही ट्राई। गाइस तो पहुंच गए सामने टोली वापस और चलते हैं अभी। 3 hours later हेलो गाइस, तो गुमला से घर आने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लिए, प्रफुल्ल अभी भी रेस्ट कर रहा है, उसका दर्द अभी भी कम नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नदी, चाची आगे आगे जा रही है, हम लोग को बहुत सारा कपड़ा सब धोना है क्योंकि कल तो हमने जाना है ना नानी घर, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। और इधर छोटे छोटे बच्चे फिर से जाल पकड़े हैं और नदी की तरफ जा रहे हैं। गाइस जब भी मैं गाँव आता हूँ ना तो गाँव के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं मेरे साथ, पता नहीं क्यों, मेरे साथ बहुत मज़ा लगता है। प्रफुल्ल तो घबरा जाता है इतने सारे बच्चे लोग को देख के, और फिलहाल अभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश होगा अभी झारखंड में बहुत जोरदार वाला। जामुन है, जामुन है। देखो गाइस अपना नाखून पूरा तोड़वा लिया अभी फुटबॉल खेल के, और आया है मेरे पास मछली पकड़ने, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला लड़का है। आज बारिश आएगा, स्टार्ट हो गया मछली छोटा मछली है, वीडियो बना रहा है, ये मछली है। शाम के 6 बज गए हैं और मौसम अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगा जरूर, देख सकते हैं आप लोग पूरा बादल गरज रहा है पूरा बादल। और नहा करके अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, मम्मी भी आ रही है, कपड़ा सब धो लिए हैं। गाइस व्लॉग को ऐसे यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें हम लोग नानी के घर जा रहे हैं, वो दिखाएंगे आपको। तकली बाय बाय।